का व्लॉग है इस पर्पज पे, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूँ अपना नया फोन, क्योंकि मेरा जो है फोन आज से 4 महीने पहले चोरी हो चुका था। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। Hey guys, welcome back to my new vlog. So guys, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अपने घर से। आज हम बहुत लेट हो चुके हैं व्लॉग डालने में, क्योंकि हम चले गए थे स्कूल, तो स्कूल से हम आके तो जैसा कि अब अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया हमने। और आज का व्लॉग है इस पर्पज पे, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूँ अपना नया फोन, क्योंकि मेरा जो है फोन आज से 4 महीने पहले चोरी हो चुका था। और बस हाल फिलहाल में मैं फोन नहीं लेके आ पाया और अपना व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाया। उस बीच मैंने अपना 4 महीनों में एक व्लॉग डाला सिर्फ फोन चोरी होने का, ताकि लोगों तक मैसेज पहुंच जाए कि मेरा फोन चोरी हो चुका है। मैं व्लॉग कम डाल पाऊंगा, तो कम क्या मैं डाल ही नहीं पाया। तो आज जैसे कि मैं अपना नया फोन लेके आ चुका हूँ, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर अपना अनबॉक्सिंग करना चालू करेंगे। तो जल्दी से पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस, इस फोन का नाम है ओप्पो रेनो 10 सीरीज 5G, जो कि बहुत अभी लॉन्च हुआ है और बहुत इसके अंदर फीचर्स भी नए नए हैं, तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे भी। और चलो जैसे भी हम आपको कंटिन्यू करके दिखाते रहेंगे। तो ये है इसका बॉक्स, बहुत ही प्रीमियम लुक देखता है, जैसे कि अंदर से जब बाहर से ऐसा कलर है तो अंदर से भी ऐसे ही कलर होगा। और बाकी हमारा ये फ़ोन का डिब्बा है, मैंने इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग कर ली थी पर मैं आज पैक कर दिया मैंने, तो इसीलिए, क्योंकि आप लोग के थ्रू ऐसा लगना चाहिए कि मैं नया फ़ोन है, तो सॉरी गाइस उसके लिए, क्योंकि मैं कर नहीं पाया था। आज से 4-5 दिन पहले ही लिया था मैं फ़ोन, उस दौरान मैं बिजी था, इस वजह से अपने फ़ोन की अनबॉक्सिंग भी नहीं कर पाया और व्लॉग भी नहीं बना पाया। सो अब मैं अनबॉक्सिंग करने आ रहा हूँ, इसकी पन्नी भी खुली हुई, जल्दी से पहले खोलते हैं फ़ोन। पहले नफरतें, क्या क्या है, तो पहले तो ये है इसका केस, और बाकी वही चिट और ये सिम टूल, और एक ये पन्नी मिली थी हमें जो कि हमारे फोन के साइड में स्पीकर पर चिपकाने के लिए, सेफ्टी के लिए, तो इसलिए हम रख देंगे अभी साइड में। और बाकी अब निकलेगा हमारा फोन, तो इसे कर लें हम साइड में पहले, ये सब चीज़ें जितनी भी थी। तो फाइनली गाइस, अब ये फ़ोन को ऐसे निकालना पड़ेगा, तो ये आ गया मेरा फ़ोन। तो पहले इसको रखेंगे हम साइड में, तो अभी पहले हम दिखाते हैं चार्जर। तो इसका चार्जर है 67 वोल्ट का चार्जर है, बहुत ही स्पीड से चार्ज करने वाला। तो ये है इसकी डाटा केबल, ये भी मैंने पैक करके रखती थी, तो इसे भी अब हम करते साइड में, ठीक है ना। तो अभी ये सब हमारा काम हो चुका है, जो मेन चीज़ है हमारा फ़ोन है, और बाकी ठीक है, हमारा काम ये हो चुका। और हमें इसके साथ एक मिली थी नेक बैंड, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और भाई इसके साउंड तो ओपी ही है, तो इसको हम बाद में करेंगे, इसको बाद में खोल के देखेंगे, पहले फ़ोन दिखाते हैं, मेन चीज़ हमारा फ़ोन। तो इससे हम आज अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे आपसे। तो आज का व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ वो अपने भाई के फ़ोन से बना रहा हूँ, तो पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी से। तो ये इसकी पन्नी उखड़ गई, तो इसका ये लुक देख सकते हैं कितना प्रीमियम लुक है, पास से देखिए इसका कलर चेंज होता है, और भाई इसकी बिल्कुल कर्व डिस्प्ले है। अभी जल्दी से हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है। और बाकी इसका लुक जो है वो एक नंबर मुझे भी लगा। इसके अंदर आते हैं दो कलर, एक है ब्लैक और एक हमारा ये वाला कलर, तो आपको कौन सा भी अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ब्लैक कलर की फ़ोटो दिखा दूंगा, जैसे कि ये देख सकते हैं ऊपर आएगी इस फोटो, तो उसको देख लीजिएगा आप। और ये अभी हो रहा है ऑन, तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोन हो चुका है ऑन। तो इसके अंदर मैंने कुछ ऐप भी डाउनलोड कर रखे थे, तो जैसे कि अब इसके हम वर्किंग वो बता देते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल वर्क कर रहा है एक नंबर। तो अभी हम इसके बाकी जो फीचर्स है वो बता दें, और जैसे कि इसका कैमरा वैमरा कैसे कैसे मेगा पिक्सल है ये भी बता देते, क्योंकि हमारे व्लॉग बनाने के मेन काम तो वही है। तो अभी इसके अंदर मैसेज आएंगे तो उसको मैं कर दूँ पहले साइलेंट। तो इसका ये वाला जो ऊपर वाला सब में ऊपर वाला कैमरा है, जैसे कि देख सकते हैं ये है 64 मेगापिक्सल का कैमरा, और इसका ये साइड का कैमरा जो है ये है 32 मेगापिक्सल का कैमरा, और ये है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। तो जैसा है कैमरा एक नंबर है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल जेन्युइन, और मुझे तो भाई बहुत पसंद आया कैमरा, क्योंकि मैंने इसके अंदर से 2-3 फोटो भी खींच रखे हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिएगा, वो फ़ोटो मैं दिखा दूँगा, पर मेरा अभी एक भी फ़ोटो अच्छा खासा नहीं आया तो कैमरे से, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के ही अपने हाथ से खींच के बढ़िया करके एडिटिंग करे थे, तो वो स्क्रीन पर दिखा दूँगा मैं, ठीक है। तो गाइस जैसा कि ये आगे का फ्रंट कैमरा है इसका, ये है 32 मेगापिक्सल का, और इसका प्रोसेसर है वो 7500 ऑक्टा कोर 5G
और ऐसे ही कुछ है इसका। मैं अभी मैंने इतना जांच नहीं किया। और इसकी रैम जो है 8 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज और 128 GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाएगी, पर मैंने 256 GB वाला लिया है क्योंकि मेरा काम वीडियो का है और सेव वेव भी बहुत चीज़ में करता हूँ, तो इस वजह से मुझे स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसकी जैसे कि बैटरी है वो है 5000 mAh की बैटरी, और इसके अलावा इसके साथ फास्ट मतलब चार्जर है, तो अपना 47 अराउंड चार्ज हो ही जाता है, 47 मिनट अराउंड चार्ज हो ही जाएगा अपना फ़ोन फुल चार्ज। और बस इसका यही फीचर्स है और बाकी अपना चलाने में एक नंबर लग रहा है मेरे को। और इसके अलावा हमें ये एक नेक बैंड मिल गई जिसमें आपको बताया था, तो इसको ही मैं दिखा दूँ कैसा है। तो बस इसके अंदर ज़्यादा खास नहीं है, पर इसके साउंड OP एक नंबर है। तो पहले हमें इसके साथ मिली थी ये, इसके दूसरे कानों में लगाने वाले हैं। और इसकी ये है लीड चार्जिंग केबल, तो इसको भी साइड में रख के ये हमारी नेक बैंड। तो जैसे कि नेक बैंड है, पर मैं नेक बैंड ज़्यादा पहनता नहीं, तो कभी कभार मैं बस लगा लेता हूँ। और बाकी इसका नाम है टाइवोनियम जो है इसका नाम, बाकी यही है इसका डब्बा, थोड़ा डब्बा थोड़ा सा फट भी चुका क्योंकि मैं इधर से उधर ले आना करता रहता हूँ, तो ये खुल गया डब्बा, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस अभी बताइएगा कैसा लगा ये फ़ोन और इसका प्रोसेसर कैसा है। मेरे प्रोसेसर बहुत अच्छा लगा, Dimensity 7500 है, 5G जो भी है। अभी मैंने इसका यही टेस्ट किया और उसके अंदर एक्सपेंडेबल भी स्टोरेज है, पर वो मैंने अभी इतना चेक नहीं किया क्योंकि मैं इस दौरान जो है 4-5 दिन से काम में बिजी था अपनी दुकान पे, इसी वजह से मैं अपना ब्लॉग भी कंटिन्यू कर पाया। पर आज से अपना जैसा भी होगा ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, पर बढ़िया ब्लॉग लेकर आएंगे आपसे, अपना बहुत पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा मैं आपको। और गाइस जो बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है ना, इसको तो मैं बंद नहीं कर सकता क्योंकि बहुत साउंड आ रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसके लिए क्योंकि ऊपर नीचे वाले बहुत डिस्कशन होता है और काम होते हैं। तो जैसा भी कमेंट करिएगा कैसा लगा मेरा फ़ोन न्यू, अब इससे ही मेरा व्लॉग आएगा। और जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अब कैसा है, ठीक है ना। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मिलता है आपसे कल के व्लॉग में, कल इंशाल्लाह व्लॉग चालू करेंगे, कल एक सरप्राइज़ भी है। तो ठीक है, इस फ़ोन को रखते हैं अभी नीचे और बाकी मिलता है आपसे अगले व्लॉग में, ठीक है। बाय बाय, टाटा।